ओम आंजनेयाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सर्दुखराय नमः, ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगला मुखी का, राम जी महाराज का, सीता मैया का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 3 सितंबर सन 2024। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज वृद्धि अमावस्या तिथि है। देव कार्य अमावस्या आज के दिन मनाई जाएगी। आज अमावस्या वृद्धि तिथि रहेगी। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 3:35 से सायंकाल 5:10 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा कर निकलिए, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के अशुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज दोपहर 9:17 से दोपहर 2:01 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया रहेगा। प्रातःकाल 9:17 से दोपहर 2:01 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज वर्किंग सेक्टर में जो काम करो केयरफुल होके करो, कार्य क्षेत्र में हर कार्य सावधानी से करो और हर मामलातों पे कोई भी मैटर क्यों ना हो खुले दिमाग से विचार कीजिएगा। पेट से संबंधित रोग कर सकते हैं हैरान परेशान। समाधान, मीठी रोटी और लाल कपड़े का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज का दिन मंगलमय रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अनसुलझे मामलातों को छोड़ दीजिएगा और आज आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो मैटर्स उलझे हुए हैं उनको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे और बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं। कामकाज से जुड़े कुछ नए आइडियाज आज आपको मिल सकते हैं। और आज के दिन का फलसफा, किसी की बुराई से बचना है, किसी की बुराई आज नहीं करनी, बैक बाइटिंग आज नहीं करनी है। समाधान, हनुमान मंदिर में इत्र लगा गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को छूमेगी। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज वर्किंग सेक्टर में
फ्लक्चुएशन आ सकता है। उतार चढ़ाव स्पीड ब्रेकर की स्थिति बनने की संभावना है। कोई बड़ा वादा या कोई बड़ा निर्णय आज नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड द बिग डिसीजन टूडे। दुर्घटना की संभावना है, अतः वाहन सावधानी से चलाएं। When you are driving, you have to be very careful. समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा। निश्चित तौर पे पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकिशोर जी हैं नागौर से, प्रश्न पूछिए रामकिशोर जी, प्रश्न पूछिए। आप वापस बोलिए, आवाज हमें सुनाई नहीं दी। मैंने एक पन्ना की अंगूठी बनवाई है, हाँ, कब पहने, किस तरीके पहने? देखिए, जहाँ तक पन्ने की अंगूठी का सवाल है, बुधवार के दिन आपको पन्ने की अंगूठी धारण करनी है। धारण करने से पहले पन्ने को शुद्ध कीजिएगा। एक रात पहले यानी मंगलवार की रात को कच्चे दूध में उस अंगूठी को रख दीजिएगा। जैसे आज रात को कच्चे दूध में अंगूठी रख दीजिएगा, कल सुबह उसको गंगा जल से शुद्ध कीजिएगा। गंगा जल से शुद्ध करने के पश्चात में सीधे हाथ में रखकर ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः 108 बार गणपति मंत्र का जाप कीजिएगा। 11-21 बार जो है वो गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। तत्पश्चात गणेश जी भगवान की आपके मंदिर में, घर के मंदिर में पूजन करके, आरती करके, आरती की लौ के ऊपर से अंगूठी को घुमा दीजिएगा और फिर उस अंगूठी को धारण करना है। समय रहेगा 11:15 से 12:15 के मध्य में आप बुधवार को पन्ने की अंगूठी धारण कर सकते हैं। रमा राजकोट से जुड़ी हुई है, आपका प्रश्न पूछिए रमा जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/4/1988। 26 अगस्त। 26 अप्रैल। 26 अप्रैल 1988। समय, टाइम है 3:20 शाम का। 3:20। हाँ जी। दोपहर में। हाँ जी। जन्म कहाँ का है आपका? उदयपुर का। अच्छा, प्रश्न क्या है बेटा आपका? पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या काम करूँ कि मेरा चल जाए। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, पर किससे रिलेटेड काम करूँ कि चल जाए। तो आप राजकोट रह रही हैं, उदयपुर हैं? अभी तो मैं राजकोट हूँ पंडित जी। तो बारिश वारिश ज्यादा हो गई आपके राजकोट में? हाँ जी, बहुत बारिश हो रही है। चलिए, देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीजें हैं रमा जी। एक तो मघा नक्षत्र का आपका जन्म है, मघा नक्षत्र गढ़मूल नक्षत्र में आता है। अपने माता पिता से पूछिएगा कि पैदा होते ही 27वें दिन आपकी मूल नक्षत्र यानी मघा नामक गढ़मूल नक्षत्र की विधिवत शांति हुई या नहीं हुई। यदि नहीं हुई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको मूल नक्षत्र की शांति अवश्य करानी चाहिए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य उच्च राशि का भाग्य स्थान में बैठा है और कर्म क्षेत्र में शुक्र स्व राशि का होकर बैठा है। यदि आप फैंसी आइटम, लेडीज आइटम, अंडरगारमेंट्स का काम, कॉस्मेटिक आइटम, श्रृंगार सामग्री, परफ्यूम इत्यादि का काम करती हैं, चूड़ियों का काम करती हैं, पर्स का काम करती हैं, तो निश्चित तौर पे यू कैन बिकम ए सक्सेस बिजनेस वूमेन। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपके भाग्य स्थान में सूर्य जो है वो उच्च राशि का है, शुक्र भी स्व राशि का है। आपको एक डायमंड की अंगूठी, पन्ना और डायमंड की अंगूठी पहन रखी, मैंने पहन रखी ऐसे 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न होगा, उसके चारों तरफ छोटे छोटे डायमंड होंगे गोल्ड में। आपको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना है। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाइए। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। आपके जीवन का जो अच्छा समय है वो मेरे हिसाब से अब शुरू होने वाला है, जब आपका भाग्येश मंगल उच्च राशि का है। कुछ ना कुछ आपको काम करना चाहिए। सरकारी नौकरी में जाती तो कहीं अफसर बन के बैठी होती, कलेक्टर बन के बैठी होती। अगर बिजनेस में है तो निश्चित तौर पे बिजनेस स्टार्ट कीजिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। राजकोट आएंगे तब आपसे अवश्य मुलाकात करेंगे। डिंपल जयपुर से पूछिए बेटा। डिंपल जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। मेरे को मेरी बेटी का नामकरण करना है। बेटी का नाम पूछना है। नाम पूछना है, बताइए तारीख, समय बताए। तारीख दिसंबर को। वापिस बोले बेटा।
2023 का जन्म है। 2023 का जन्म है। हाँ। महीना तारीख? तारीख 29 महीना? सुबह 10 बजे शुक्रवार। महीना कौन सा है? महीना दिसंबर। 23 दिसंबर 2023। हाँ। और समय बताया सुबह? सुबह दस बजे। हाँ, बाहर शुक्रवार। देखिए, जहाँ तक आपने जो मुझे बताया, जितना मैं समझ पाया हूँ डिंपल जी, 29 दिसंबर सन 2023 सुबह 10 बजे का समय है। पुष्य नक्षत्र में ये बच्ची जन्म हुआ है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों का राजा माना जाता है। एच पे नाम आया है, हे पे नाम आया, हेमा वाला हे पे नाम आया है। तो एच पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, राशि नहीं बदलिएगा। एच पे हिमांगी, हेमा, हिमांशी, ये आप नाम इस तरह के एच पे जो भी आपको नाम अच्छा लगे आप ढूंढिए और एच के ऊपर इसका नाम रखिए। पुष्य नक्षत्र में जन्मी है। आपके परिवार का में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। सूर्य मंगल की युति है। भारी मांगलिक बच्ची है। धन भाव में शनि स्वराशि का है और चंद्रमा भी स्वराशि का है। पिता के लिए भी विशेष रूप से भाग्यशाली है। कुंडली बहुत अच्छी है। ये परिवार में 7 पीढ़ियों में कोई लड़की इतना आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये लड़की आगे बढ़ेगी। चांदी के पाए का जन्म है। कर्क राशि है। पुष्य नक्षत्र है और हेमा वाला ह पे इसका नाम आया है। और हमारा शुभ आशीर्वाद आपकी बच्ची के साथ है। सविता जी किशनगढ़ से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए सविता जी। राम राम पंडित जी। राम राम। मेरे बेटा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1998 24 जून। 24 जून 1998। हाँ। और एक लड़की है उसकी जन्म। समय बताएं पहले, लड़के का समय बताएं। लड़के का समय 11:33 11:33 सुबह 35 सुबह या रात में? सुबह 11:35। अब लड़की हाँ। की बताइए। और लड़की का है 21 नवंबर 1998। समय बताएं। और एक लड़की का है 26। नहीं, पहले एक का बताएं। अच्छा, उसका समय है सुबह। सुबह कित बहन जी, जल्दी करें, कितने बजे? 8:15 8:15 सुबह 8:15। देखिए, जहाँ तक पहली लड़की की जन्म कुंडली का सवाल है, इसके अंदर जो है मिलान होता है, मात्र 3 गुण मिलते हैं, ये संबंध नहीं हो सकता है। नाड़ी दोष इसमें है, भ्रकुट दोष इसमें है, गण दोष इसमें है, अतः ये मिलान संभव नहीं है। दूसरा मिलान बताइए। दूसरा 26/8/1998 26 अगस्त 1998। सवा तीन दोपहर के। इस बच्चे की जन्म कुंडली, इस गुड़िया की जन्म कुंडली से 26 गुण मिलते हैं, लेकिन लड़की भारी मांगलिक है और आपका बेटा नॉन मांगलिक है, मंगल का दोष है। लड़की के अष्टम भाव में मंगल है, इस वजह से हम इस संबंध को नहीं कर सकते हैं। लड़की मांगलिक हो, लड़का नॉन मांगलिक हो, तो लड़के की आयु कम हो जाती है और लड़के की जन्म कुंडली के अनुसार उसका दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि नीच राशि का है। आपके बेटे की कुंडली में द्विविवाह के योग बने हुए हैं, अतः जब भी विवाह करें योग्य आचार के निर्देशन में कुंडली मिलान करके करें, ये संबंध नहीं हो सकता है। दोनों ही संबंध उचित नहीं है। बेटे के कालसर्प दोष की शांति कराइएगा। एक तिकोना मूंगा 6.25 रत्ती का पहना के रखें। काले नीले रंग के कपड़ों से हमेशा दूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन, आज का टाइम, आज के लम्हे, आज के पल आपके फेवर में हो सकते हैं। अपनी इमेज, अपनी व्यक्तित्व को लेकर सावधान रहिएगा। टाइम आज आपके फेवर में रहेगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर इमेज, योर पर्सनैलिटी। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में रुई, तेल और मिश्री का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कोई बड़ी प्लानिंग करने और फैसला लेने के लिए दिन अच्छा है। टुडे इज द गोल्डन डे ऑफ लाइफ, तो बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, बड़े डिसीजन ले सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम बनाए रखें, शब्दों का चयन ध्यान से करें। समाधान,
रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौओं को खिलाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज के दिन बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, ऐसा तकदीर कहती है। क्या महाराज, तकदीर क्या कहती है? कि आज के दिन आपको कोई बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मिल सकती है, जिम्मेदारी मिल सकती है। हाँ, उतावलेपन में कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं, तो उतावलापन आज आपको नहीं रखना है। और ध्यान क्या रखना है महाराज, बाहर के खान पान से बचना है। समाधान, पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे दैनिक राशिफल के, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे। छह राशियों की बात करिए, अगली छह राशियों की बात करिए। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट धन कमाने का सोर्स बन सकता है। क्या महाराज, आज भ्रम अनिश्चितता की स्थिति में अपने आप को मत उलझाइएगा। घर में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। समाधान, लाल रंग की गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि आज पैसों में और हौसलों में वृद्धि के लिए मन पक्का करना होगा। क्या महाराज, पैसों में और हौसलों में वृद्धि के लिए मन को पक्का करना होगा, संकल्प को मजबूत करना होगा और समय के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रखना होगा। पुरानी बीमारी आज आपको हैरान परेशान कर सकती है। समाधान, पानी वाले नारियल हनुमान मंदिर में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन सुख प्रदान करने वाला रहेगा। क्या प्रभु जी, आज का दिन सुख प्रदान करने वाला रहेगा, आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका आपको मिल सकता है, बोलते चलते समय सावधानी रखें। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ में, विनोद जी आगरा से प्रश्न पूछे। विनोद जी, मेरी फैक्ट्री थी, बिक गई है जगदीश मंडल बस। क्या? मेरी फैक्ट्री थी जगदीश मंडल में, बिक गई है। इनके यहाँ पार्टनरशिप की बात की थी काम करने की, क्या काम मेरा चलेगा? डेट ऑफ बर्थ टाइम बताए। 13 अगस्त 1946। 13 अगस्त 1946। 1946, हाँ, 46। 46, समय? हमें 10:51। 10:58। 51 मिनट सुबह का जी। आपका प्रश्न क्या था? फैक्ट्री बिक गई है। हाँ, अब आगे क्या कर रहे हैं आप? अभी खाली बैठा हुआ हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में काम करने कहता है वो आदमी। बिल्कुल, अब एक केतु की महादशा, राहु का अंतर आपका 23 दिसंबर 2023 को खत्म हो चुका है और केतु में वर्तमान में गुरु चल रहा है। आगे समय सुधरता जाएगा क्योंकि केतु उतरता हुआ चल रहा है आपके, तो निश्चित तौर पे यदि कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में भी यदि काम करें तो लिखा पढ़ी करके काम करें। बाकी हमारे हिसाब से अब चूँकि उतरता हुआ केतु है, जनवरी 2027 में केतु उतर जाएगा, 2020 से चल रहा है, तो नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कम पैसों से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। लोहा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाकी आप कोई काम शुरू करें, पार्टनरशिप पे काम शुरू करें तो आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चंद प्रकाश जी चित्तौड़गढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। चरण स्पर्श पंडित जी, जी खुश रहे, प्रश्न पूछे। हाँ सर, मेरा जन्म है 11 मार्च 1978, 4:48 उदयपुर। 11 मार्च 1978, समय क्या बताया? 4:48 48 मिनट। ये दोपहर में? दोपहर में, हाँ नहीं, सुबह सुबह सर, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। तो प्रश्न क्या है आपको सर? अभी समय कब सही चलेगा, क्या है नहीं है अभी? तो आप उदयपुर रहते हो, चित्तौड़ रहते हो? मैं वर्तमान में चित्तौड़ रहा हूँ सर। तो कहीं गंभीर में पानी आयो कि ना आयो? सर गंभीर में अब आएगा, बारिश नहीं हो रही अब। कई बात कर रहे हो आप, चित्तौड़ में बारिश ना भी? हाँ नहीं, बारिश तो उधर होगी तो निम्बारा की तरफ। अच्छा। अभी एमपी में गंभीरी तो भर गया है सर, अब चित्तौड़ में जैसी नदी आनी चाहिए वैसी नहीं आई है। देखो ऐसा है चंद प्रकाश जी, आपकी जन्म कुंडली में एक तो रेवती नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाता है रेवती नक्षत्र,
आशा करते हैं आपके माता पिता ने रेवती नक्षत्र की विधिवत शांति कराई होगी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में रेवती नक्षत्र की शांति कराएं। दूसरा, आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध नीच राशि का होकर बैठा और वहाँ राहु बैठ गया। आपका भाग्य आपसे चार कदम पीछे चलता है, तो राहु की शांति के लिए हर शनिवार को एक मुट्ठी उड़द दाल पानी में भिगो दे, रविवार को उसको पीस के ग्राइंड करके उसके छोटे छोटे बड़े तल्ले, फीके बड़े तलने, नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना है, हर बड़े पे एक एक लौंग लगा के और मछलियों को खिला दीजिए। इससे आपकी अड़चने रुकावटें दूर होंगी। क्योंकि बुध नीच राशि का है तो आपको एक पुखराज रत्न हमेशा इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का अंगूठे के पास वाली उंगली में धारण करके रखना है और नियमित रूप से हर बुधवार को गौ सेवा करें। बुधवार को हरी सब्जी खाना नहीं, हरी सब्जियों का दान करना है, हरे कपड़े पहनने नहीं हैं। आपका बुध नीच का जीवन में भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करेंगे, शनिवार को काला नीला नहीं पहनेंगे, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएंगे और उसके साथ में घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएंगे। वर्तमान में अभी चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर शुरू होने वाला है 11 सितंबर से अगले कुछ दिनों से। निश्चित तौर पर आपकी बहुत सारी चीज़ों में सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा, छोटे छोटे उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली तीन राशियों की बात करते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, प्रभु जी कहते हैं कि आज आपको हर काम सावधानी से करना चाहिए, जोखिमपूर्ण कार्यों में सावधान रहें और छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी रहने दीजिएगा, तूल मत दीजिएगा। समाधान एक रुपए के सिक्के पर सिंदूर लगाकर अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, उतावलापन, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, ओवर कॉन्फिडेंस से आपने आपको दूर रखिएगा। नौकरी मिलेगी या छूटेगी या बदलेगी, ऐसे योग बन रहे। अपना काम खत्म करने के बाद दूसरों की मदद जरूर कीजिएगा। समाधान, मीठा पान किसी को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सोच और व्यवहार दोनों को संतुलित बनाए रखने की कोशिश करें और अपने काम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से ही आपको फायदा होगा। अगर ज़्यादा बोलने की आदत है तो उसे नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिएगा। समाधान, चावल मूंग पक्षियों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप लाइफ के सबसे खराब दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है? क्या पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुके हैं? यदि हाँ तो आज अमावस्या युक्त मंगलवार पर करें चमत्कारिक उपाय। क्या करना है लिख लीजिए। आज संध्याकाल में लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी महाराज के मंदिर में हनुमान जी महाराज का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला अर्पण कीजिएगा। तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। चांदी के बने पान के पत्ते पर एक देशी घी का रोट, घी, बूरा, बूंदी के लड्डू, गुड़, चने का भोग हनुमान जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। पान का बीड़ा अर्पण कीजिएगा। गुलाब के 108 पुष्प लेकर हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कीजिएगा। हर हनुमान चालीसा पूर्ण होने पर एक एक गुलाब का पुष्प हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ाते रहिएगा। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण किए गए गुलाब के पुष्पों को सुखाकर उसका गुलकंद बनाइएगा। प्रसाद के रूप में रोजाना उसको ग्रहण कीजिएगा। क्या होगा? हनुमान जी महाराज का चमत्कारिक उपाय आपके जीवन में छाए गंभीर संकटों के बादलों को कर सकता है दूर। बन सकते हैं रोडपति से करोड़पति। हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार, मिलेगी बढ़ती कंगाली गरीबी दरिद्रता से मुक्ति। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही, कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।